प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण के काउंटिंग जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं नरोत्तम मिश्रा जी के निवास पर और मिश्रा जी के पास लगातार फोन आ रहे हैं और वो बधाई दे रहे हैं। मिश्रा जी, लगातार आप बधाई दे रहे हैं, किसको बधाई दे रहे हैं? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दरअसल नगर पंचायत बड़ोनी है, उसमें 15 वार्ड और 15 वार्डों में से 15 के 15 भाजपा जीत गई है। क्लीन स्वीप हुआ, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, ये स्थिति है। दतिया नगर पालिका में 36 वार्डों में चुनाव हुआ, 36 में 32 पे भाजपा आगे चल रही है, एक पे निर्दलीय, कांग्रेस 2-3 सीटों पर ही आगे है। तो ये वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहा हूँ। शिवराज जी का, माननीय बी डी शर्मा जी का कुशल नेतृत्व है, उनको बधाई। और पूरे मध्य प्रदेश से क्या सूचनाएं आ रही है? सीहोर में हम 35 में से 22 वार्ड जीत गए, छिंदवाड़ा के प्रथम राउंड में हम आगे हैं, भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में प्रथम चक्र में भाजपा बढ़त बनाए हुए। अब ये जो स्थिति है, ये क्या बताती है कि आप वास्तव में जो नगर पंचायतों में, जिला पंचायतों में रिजल्ट रहा, वही नगरीय निकायों में रहने वाला है? सभी में रहने वाला है। देखो, कांग्रेस के लोग कभी सेवा के लिए जाते नहीं, जनता पे मुसीबत आए तो कभी जाते नहीं। करोना में कहीं आपको कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह दिखे? नहीं दिखे। बाढ़ में दिखे? नहीं दिखे। बाढ़ में जब जाते हैं जब पानी उतर जाता है, करोना में जब आते हैं जब करोना चला जाता है। ये स्थिति इन लोगों की है, तो ऐसे ही रहेगा इनके साथ। कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर लेके तैयार हैं? तैयारी बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। आप देखना, जवानी जमा खर्चा, हास्यास्पद बातें हैं, जनता हंसती है और फिर वोट नहीं देती जी। तो जनता हंसती है, वोट नहीं देती है। और नरोत्तम मिश्रा जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार फोन पे बातचीत उनकी हो रही है और उनका कहना है कि जिस तरह से जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायतों में रिजल्ट आए हैं, उसी तरह के नतीजे नगरीय निकायों में आएंगे। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।